मैं आषाढ़ी एकादशी पर भगवान विट्ठुबा के दर्शन करने के लिए 1992 से आ रहा हूँ और आज मुझे सहयोग मिला कि आषाढ़ी एकादशी के दिन ही मैं हमारे श्री साईनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए उपस्थित हो गया। क्या रहा सर? बस मन्नत तो प्रभु से ही मांगी जाती है, अमन चैन शांति रहे, सद्भाव रहे, देश आगे बढ़े और सबका मान सम्मान बना रहे। मैंने टेक्निकल ग्राउंड्स पर पिटीशन फाइल किया है क्योंकि चुनाव आयोग ने जितने भी हमारे शंकाएं थी, प्रश्न थे, उसका कोई जवाब नहीं दिया है। इन सब बातों को लेकर मैंने पिटीशन फाइल किया है टेक्निकल ग्राउंड्स। बात यह है, आरएसएस जो है माइंड गेम खेलता है। आरएसएस लोगों के दिमाग में, दिल में उसके जो विचारधारा है वो हर तरह से वो उनके दिमाग में बैठाता है, चाहे सच हो या चाहे गलत हो। मेरा उनसे केवल एक मुद्दे पर विवाद है और वो ये है कि भाई धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बंद करो, धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाना बंद करो, क्योंकि ये देश सबका है, भारत सबका है और इस देश की उन्नति तरक्की में सभी लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने योगदान दिया है। इसलिए नफरत फैलाना बंद करो, प्रेम और सद्भाव। मैं नीति पे का विरोधी हूँ उनके, लेकिन वो जिस तरह से झूठ को सच लोगों के सामने और उनके घर में जाकर उनको बता देते हैं, उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी को उसी तरह से करना पड़ेगा। देखिए, बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने खुलकर कहा था हमें 400 पार इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल दें, कहा था उन्होंने। बात यह है, मैं सीटों की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन जीतता कौन हारता मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो जब वोट डाले तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा वोट कहाँ गया और मेरा कहाँ वोट गया और मेरी वोट की गिनती हुई कि नहीं। अब न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। बात यह है, मैं बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि मैं पूरे आलंदी से लेकर और पंढरपुर तक वारी के रूप में, मैं वारकरी के रूप में जो हमारी यात्रा निकलती है उसमें मैं शामिल रहा। Thank you.